कितना काम, कितनी मेहनत, कितनी रातें काली करनी पड़ेंगी उस चीज को हासिल करने के लिए, पता नहीं। पर इतना जरूर पता है कि हद से ज्यादा काम, हद से ज्यादा मेहनत और हद से ज्यादा रातें काली करनी पड़ेंगी किसी भी चीज को मेरी है ये बोल पाने के लिए। कोई भी जादू नहीं है। अगर वहम है कोई, अगर लगता है कि कोई जादू है, तो वो या तो किसी का हद से ज्यादा पागलपन होगा, हद से ज्यादा चाहत होगी, या हद से ज्यादा विश्वास होगा। और उस जादू को देख पाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है नजर। क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता कि जाना कहाँ है या करना क्या है वहां तक पहुंचने के लिए, तो हम बस धक्के खाकर वापस उसी जगह पर लौट के आ जाते हैं। और सही में थोड़ी हंसी और थोड़ा गुस्सा तो मुझे तब आता है जब लोग ये बोलते हैं कि उनके पास जिम जाने के लिए या भाग के आने के लिए या वो एक नई किताब पढ़ने के लिए 1 घंटा भी नहीं है दिन में। 1 घंटा, 1 घंटा पूरे दिन में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए नहीं है। सोचो अगर हम रोज 1 घंटा एक ऐसे विषय पर पढ़ना शुरू कर दें जो हमारे काम आ सकता है, तो हम उन 365 घंटों में उस 1 साल में अपने खुद के कितने काम आ चुके होंगे। सच तो यह है कि कोई भी यहां खुद के ही काम नहीं आना चाहता, और मैं अकेला इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि लगभग सभी के सभी मिले हुए हैं इस खुद का काटने की बात को दबाने में। क्योंकि जो हमें काम करने के लिए मजबूर करता है वो हमारा दोस्त थोड़ी होता है, वो तो हमारा दुश्मन है। हम सबका दोस्त तो वो है ना जो हमारी इतनी सी छोटी सी ईगो को ये बोल के मसाज देता रहे कि भाई तू इतना जिम मत किया कर, थक जाएगा, इतना मत पढ़ा कर, इतना पढ़ के क्या चांद पे जाएगा। जाऊंगा, मैं जाऊंगा, और कोई जाए ना जाए, पर मैं जरूर जाऊंगा। क्यों हम सिर्फ ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे आराम से जिंदगी बिताने की बातें करते रहे? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि शायद हम अंदर से खुद भी ऐसे ही हैं। सच ये है कि मुश्किल काम मुश्किल ही होता है और आसान काम आसान। मुश्किल काम मेहनत मांगता है, आसान काम आदत। जैसे तैसे करके हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं किसी मोड़ पे ये मानकर बैठ जाते हैं कि शरीर तो बढ़ ही गया, अब दिमाग का भी क्या बढ़ाना, बड़े तो हो ही गए, अब क्या हड्डियां वड्डियां तोड़वाना। जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमारी हड्डियां सोने की नहीं बनी हुई, जिनको हमें उस चर्बी से भरे हुए ढोल जैसे लिफाफे में लपेट कर संभाल कर रखना पड़ेगा। सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, ये सारी खुदा की बख्शी हुई आजादी हमारे हाथों से देखते ही देखते छिन जाएगी, और हमारा शरीर ही एक दिन छीन लेगा। सोचो कि जब हम अपने दिमाग में दिन रात का बेमतलब का, वो भी किसी और का, कभी इस इलेक्शन का, कभी उस इलेक्शन का, कभी इस स्कैम का, कभी उस स्कैम का, और इन स्कैमों के बीच रिलीज होती उन पिक्चरों का, सोशल मीडिया पे दिमागदार पर फालतू के मीम्स का कचरा अपने दिमाग में डालते जाएंगे, तो हम ये कैसे मान के बैठ सकते हैं कि एक दिन हमारा ही दिमाग हमारे ही खिलाफ खड़ा नहीं हो जाएगा। कहते हैं कि जेल बन जाए जिस शहर में, वहां चोर भी पैदा होने लग जाते हैं, और हमारा दिमाग एक शहर तो छोड़ो पूरा ब्रह्मांड समा जाए जिसमें, उतना बड़ा है, और इसमें जेल बन जाए तो जन्मों जन्मों तक कैदी नहीं छूटते। हमें हर दिन हर रोज अपने लिए काम करना है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, तो उसका काम है, किसी और का काम है, कंपनी का काम है, इसका काम है, उसका काम है। अगर हमारे दिल में ऐसा है कि हम किसी और के काम को कर रहे हैं, तो हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम जो भी करते हैं उसको पूरी तरह से अपना बनाकर 100% अपना समझकर करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में ई और आर का नहीं, सोच का फर्क होता है।